अरे यार काजल, तुमने मेरे जूते नहीं धोए क्या? अरे यार मैं भूल गई। तुम एक काम करो ना, तुम दूसरे जूते पहन लो आज। जूते तो मैं दूसरा पहन ही लूंगा, लेकिन तुमको एक काम दे दो, तुमसे वो भी नहीं होता है। अब बैठी क्या हो, चलो मेरा लंच दो मुझे। ये लो आपका टिफिन। क्या बनाया? टिंडे की सब्जी। अरे यार काजल, कम से कम कुछ और बना लेती। ये हर दिन तुम टिंडे खिला रही हो मुझे, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, तुम्हें पता है ना। अरे सारा दिन फोन चलाते हो, कम से कम फोन में देख करके कुछ सीख लो। हाँ मैं तो कुछ और काम ही नहीं करती। पता है क्या करती हूँ सारा दिन? सुनो। हाँ बोलो। मेरा फोन ठीक करा के ले आना। क्या हो गया तुम्हारे फोन में? वो ना इसका स्पीकर खराब हो गया, आवाज ही नहीं आ रही है। यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ काम करने के लिए, मुझे बहुत काम है ऑफिस के अंदर, मैं फोन कहाँ सही कराता फिरूंगा। करवा लाना ना, अभी जाते वक्त फोन दे देना दुकान पे और आते वक्त फोन लेकर आ जाना। तुम खुद करवा लेना अपना फोन सही, या फिर मैं अगले हफ्ते सही करवा दूंगा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, फोन चलाती रहती हो, अपना काम खुद करवा लो। काजल मैं आ गया। ये घर इतना बिखरा बिखरा सा क्यों है? काजल कहाँ गई है? काजल ये कहाँ चली गई? और किचन में देखो कितनी गंदगी कर रखा है इसने, ये कहाँ गई? ये घर की क्या हालत बना रखा है इसने? ये घर तो नहीं चली गई, एक मिनट, इसका फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ जा सकती है? एक मिनट मम्मी जी को कॉल करके देखता हूँ। हाँ हेलो मम्मी जी, मम्मी जी काजल आई है क्या आपके पास? नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं, बस थी नहीं तो मैंने सोचा कि आपको पूछ लूँ एक बार कि आपके पास आई क्या। नहीं नहीं जैसा होता मैं आपको बताता हूँ। ओके मम्मी जी। अरे यार ये कहाँ चली गई बिन बताए? यार तुम पागल हो क्या, कहाँ चली गई थी? फोन ठीक कराने। अरे बता के जाना होता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और ये घर की क्या हालत बना रखी तुमने? तुम्हें तो बोलते रहते हो कि घर में बैठ के करती क्या है। तो हाँ तो आज नहीं किया, तुम्हारे उठने से पहले उठ जाती हूँ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तुम्हारा लंच पैक करती हूँ, और तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ना घर के सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, फिर कपड़े छत पर सुखा कर आती हूँ, और जब वो कपड़े सूख जाते हैं तो उनको उतार कर लेकर आती हूँ, फिर उनको प्रेस करती हूँ और उनको अलमारी में लगाती हूँ, और उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है तो डिनर बनाती हूँ तुम्हारे लिए, और जितनी देर में डिनर बनता है उतनी देर में तुम ऑफिस से आ जाते हो, फिर उसके बाद का रूटीन तो तुम्हें पता ही है क्या है मेरा। और ये बात कहना ना कि तुम घर में खाली बैठकर कुछ नहीं करती, कहना बहुत आसान होता है करना उतना ही मुश्किल। और मैं तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, कोई शिकायत नहीं कर रही तुमसे, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये सब काम करना नहीं चाहती, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना और मैं दिल से ये काम करती हूँ। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बाद तुम ये बोलते हो ना कि तू सिर्फ घर में खाली बैठी रहती है तो बुरा लगता है। एक बात बताओ, ऑफिस में तुम्हें एक प्रेजेंटेशन बनाने को मिली थी, उसके पीछे तुमने पूरे हफ्ते काम किया था, पूरे हफ्ते की मेहनत लगी थी तुम्हारी, और फिर जब तुमने वो प्रेजेंटेशन अपने बॉस को दिखाई और उसका सारा क्रेडिट बॉस ने खुद को दे दिया तो तुम्हें बुरा लगा ना? हाँ बुरा लगा था। ऐसे ही मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी सेम फील होता है जब तुम मुझे ये बात बोलते हो।
कि मैं कुछ नहीं करती। काजल, I'm sorry, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ चुका हूँ कि जो तुम काम करती हो वो किसी ऑफिस के काम से कम नहीं होता है। वो भी बहुत बड़ा काम है, घर को मैनेज करना। मैं गुस्से में पता नहीं क्या तुमको बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना काजल, I'm so sorry। आज मैंने घर की हालत देख लिया और मुझे पता चल गया काजल कि अगर एक दिन तुम घर से छुट्टी ले लो तो घर की क्या हालत होती है, घर कितना सूना होता है। I'm sorry काजल, मुझे माफ कर देना। मैं पता नहीं क्या जाने अनजाने में तुमको कह गया। काजल, आज के बाद तुमको कभी बुरा भला मैं नहीं कहूंगा। इवन जब तुम घर का काम करोगी, अगर मैं खाली रहूंगा मैं तुम्हारी हेल्प भी करा दूंगा। सॉरी काजल, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। ठीक है काजल, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ।